तो भाई लोग कैसे हो, वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम। और इस वीडियोस में अभी हम फिलहाल के लिए उतरे हैं जोजो फूल में, और जोजो फूल में उतरते हैं बहुत बंदे ठेलते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत होती है हमारी फर्स्ट किल से, तो काफ़ी सही होता है। और इस मैच में होने वाले पूरे 38 किल्स, तो आप बस देखते जाना और इन्जॉय करते जाना। और मैं इसी के साथ बता दूँ आपको कि इस वीडियोस में आपको तो ओम का हेडशॉट तो देखने की नहीं मिलेगा, लेकिन बट M24 का हेडशॉट जरूर आपको देखने को भी मिलेगा। काफ़ी सही होने वाले वीडियोस, तो अंत तक जरूर देखना। और अभी तक हो चुके हैं हमारे पूरे 3 किल्स, आप देख सकते हो। अब बाकी थी आगे की जो बंदे उधर साइड में उतरे थे उनकी, तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, आप वीडियो स्किप मत करना। तो इनके स्क्वाड मुझे लगता है इतने ही है, लेकिन बस आप देखना आगे बस क्या ही होता है, क्या ही गजब की सीन होने वाले हैं। ये बेचारा का पता नहीं एम कहाँ पे था, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अबे भाई ढंग से तो चला किया करो। तो यहाँ से मुझे मिल जाती है स्कारल। स्कारल मिलने के बाद मतलब क्या ही गजब का सीन होने वाला है, तो बस आप देखते जाना और इन्जॉय करते जाना। और AKM काफ़ी सही है स्कारल से, तो इसे हम यूज करने वाले हैं, तो बस आप आगे देखना क्या गजब के सीन होंगे। और पता नहीं ये बेचारे क्या कर रहे थे, मतलब कुछ मुझे समझ ही नहीं आया। तो हम आगे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद कुछ बंदे स्पॉट होते हैं, तो बस उन पर देखना क्या ही बच जाती है, बस आप देखते जाओ। इसे कुछ डैमेज मिल चुका था, तो हमने इस पर रश कर दिया, क्योंकि डैमेज है तो हील अप कर लेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो अभी तक हो चुके हैं हमारे जोजो फूल में 9 किल्स, तो आगे भी किल्स होने वाले हैं। यहाँ पे 10 किल हो जाते हैं, तो आप बस देखना लास्ट वाले किल कैसे होता है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। बस आप इंजॉय करते जाना, काफ़ी बेचारे के सही एम था, लेकिन खैर कोई नहीं, उसे मरना था तो मरेगा ही बेचारा। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं जो स्कूल के बगल में एक कंपार्टमेंट जैसे घर होते हैं उसके वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ही गजब सीन होने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट किल यहाँ पर हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है, किल्स मिलते हैं तो अच्छा लगता है मुझे भी। अब बस देखना आगे यहाँ पर क्या ही किल होने वाले हैं। ये मुझे लगता था बोट है, आपको क्या लग रहा है बोट है या नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बता देना। उसके बाद आते हैं हम इस वाले घर में, तो यहाँ पर देखना क्या ही गजब के सीन होने वाले हैं, तो क्या ही बताऊँ। ये बोट था मैं तो कन्फर्म हूँ, लेकिन आपको क्या लग रहा था आप बताना। तो थोड़ा ग्रेनाइड वगैरह फेंकना चाहिए, काफ़ी सही होता है, तो मुझे कंफर्म हो जाता है मैप में भी देखकर कि यहाँ पर हैं बंदे। तो देखना क्या ही, मतलब कि जब थोड़ी सी पे बच गया मैं, काफ़ी सही है था, मतलब काफ़ी सही खेल रहा था बंदा। देखो भाई कितना कम हेल्थ था भाई, अभी इतना कम, काफ़ी सही था, काफ़ी सही खेल रहा था। अब इनके दो बंदे थे, मैप में ऐसा दिख रहा था, लेकिन आगे क्या होने वाला मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देखना क्या ही गजब के सीन होंगे। बेचारा रिवाइव दे रहा था,
ऐसे ओपन मत रिवाइव दिया करो, सही नहीं होता है। यहाँ से काफ़ी अच्छी लूट मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे लूट वाले थे ये, थैंक्स इनको। तो बस आप देखते जाना और M42 का हेडशॉट कैसा लगे ये सब बताते जाना। और अगर 38 किल्स हो जाते हैं, मतलब 35 किल्स अबव जाते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने पर आप मजबूर ही हो जाओगे, आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेचारा लेटा हुआ था, काफ़ी गलत गलत सीन हुआ इसके साथ। इसे पता नहीं था ये घास थोड़ी ना ये, अबे घर है, घर में लेटा मत क्या करो। ये बोट था, मुझे इतना कंफर्म है, क्योंकि ऐसा ड्रेस वाले मुझे लगते हैं बोट ही होते हैं। तो काफ़ी अच्छा हेडशॉट रहा, तो K98 से मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि काफ़ी मुझे सही नहीं लगता है M42 से। और यहाँ पर देखना क्या ही गजब सीन होंगे, बस आप देखते जाना क्या ही गजब गजब गंदे वाले सीन होने वाले हैं, मेरे साथ नहीं उनके साथ होंगे, तो बस आप देखना क्या ही बच जाते हैं। तो मुझे मैप में 3 फुटस्टेप दिख रहे होते तो मैं नहीं जाता जल्दी, लेकिन देखना बस मैं कैसे उन पे रस करता हूँ। थोड़ा कवर वगैरह चाहिए, क्योंकि वो कितने उनकी स्क्वाड है, तो ऐसे जाना सही नहीं होता है। स्मोक वगैरह में उन्हें दिखेगा नहीं तो सही है। तो बस हम चल देते हैं, ये पहला बंदा जो इनका होता है वो ठेला जाता है, पहला होता है, दूसरा होता है, बस देखो देखते जाओ। क्या ही गलत सीन होने वाले हैं, ये इस साइड घूमता है तो मुझे ये तो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि ये इस साइड जा रहा था, इसका कोई टीम अप होगा जो इधर रिवाइव देने के लिए इसे बुला रहा होगा, तो बेचारा एक की वजह से दूसरा भी गया। खैर कोई नहीं, ऐसा तो होना ही था इनके साथ, बस आप देखना आगे हम क्या ही बजा देते हैं। और हाँ, मैंने बोला था M42 का हेडशॉट देखने को मिलेगा, तो बस आप देखना M42 मतलब कैसी हालत में मिलता है, मतलब क्या ही। और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, इतने बंदे कहाँ से आ रहे हैं। वो सही हुए, बेचारा भूत की तरह आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी मैं बाल बाल ही बच गया, मतलब बहुत कम थी मेरे पास हिला, लेकिन खैर कोई नहीं, हम किल करने में तो आ ही रही हैं। बट बस आप देखते जाओ आप क्या ही इनके साथ गंदा वाला इनके साथ सीन हुआ। और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कन्फ्यूज हो गया था, इतने बंदे कहाँ से आ रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, इतने बंदे अचानक से, क्या भाई क्या बात है। उसके बाद हम इस वूल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखना क्या ही गंदे वाले सीन होने वाले हैं, मेरे साथ नहीं होंगे, एनिमी के साथ होंगे जो भी होंगे। बेचारा नॉक हो जाता है, अबे घुटने पे आ जाते हैं, बस यहाँ पर मुझे मिल जाता है M42, तो सही है, K98 से बहुत सही है ये, आप भी यूज इसे ही ज़्यादा करना, ये मेरा रिकमेंड है आपको, अगर K98 सही लगता है तो वही यूज करना। इनके दोनों टीम में दोनों के पास था M42, तो काफ़ी सही थे,
खैर यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है तो क्या ही बजा देते हैं, बस आप देखते जाओ। बेचारा सीढ़ी के पास ये सोच बैठा था, मैं आऊँगा जैसे ही इंटर करूँगा ये मुझ पर बजा देगा, लेकिन काफ़ी ये गलत इसका सोच था। खैर कोई नहीं, हम यहाँ पर जाते हैं। तो बस यहाँ पर क्या ही सीन होने हो गया, मुझे 29 किल्स मिल चुका था तो काफ़ी खुशी था, लेकिन खैर कोई नहीं, अभी हमें और भी किल करना होते हैं तो सही है। बस मैं चौंक गया था, इतना M4 सॉरी सॉरी M4 मैं थोड़ा नाम भूल जाता हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं याद भी आ जाता हूँ मुझे। इतना गन्स क्यों मिल रहे थे, जिसे भी किल कर रहा था यही गन मिल रहा था क्या? पबजी वाले बस यही गन दे रहे थे क्या? यहाँ पे ये बेचारे लेटे हुए थे तो किल हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम स्टार हैं। काफ़ी इनके साथ गलत सीन हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या ही बोला था, M42 का हेडशॉट देखने को मिला, तो अगर ये हेडशॉट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और हाँ अभी ही बता रहा हूँ, ये भाई का किल कैसा लगा ये ज़रूर बताना। अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना, और कहीं कुछ भी एडिटिंग वगैरह में कोई कमी हो तो उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि मैच काफ़ी लंबा होता था, वो कट छट कर बहुत काटना पड़ता है सीन, इसलिए। खैर आप बताना आपको कैसा वीडियोस लगा मेरा, अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर देना। यही बेचारा बहुत बहुत बंदे को ढेल चुका था, लेकिन कोई नहीं, हम भी छोड़ने वाले थोड़ी ना थे। और इन्हें आकर हम मार देते हैं, लेकिन और यहाँ पर रहते हैं हमारे पूरे 37 किल्स, तो ये मैच का लास्टेस्ट सीन होता है। तो खैर कोई नहीं, चिकन डिनर हो।